अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आर्क ग्राफिक। मेरा नाम अंसारी रिजवान है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपने अगर हैरी पॉटर देखा है तो आपको इनविजिबल क्लॉक तो याद ही होगा। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश किया है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्राइपॉड की मदद से यहाँ पे दो शूट करना है। एक शूट आपको इस तरीके से करना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल करके एक सूट इस तरीके से ले लेता हूँ और दूसरा सूट इस तरीके से बैकग्राउंड के लिए ले लेता हूँ। और ये सूट मैंने एक दफ़े में ही लिया है। अब इस वीडियो को हम लोगों ने कैपकट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है और यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुए हैं, मैं पहले उसे डिलीट कर लेता हूँ फटाफट से। और वो दो रिकॉर्ड खाली आपके सामने रखता हूँ जो मैंने आपको कहा था लेने के लिए, एक बैकग्राउंड वाला और दूसरा ये। यही दो रिकॉर्ड मैं आपके सामने रखता हूँ, बाकी सब मैं एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो वीडियो है जिसमें ये चादर को यूज़ करेगा, ये वाला जो वीडियो है इसे हम लोगों को लेयर में ले आना है। उसके लिए क्या करना है, ओवरले पे क्लिक करना है तो ये वीडियो लेयर में आ जाएगा। और बैकग्राउंड वाली वीडियो को हम लोगों ने मेन लेयर में रखना है, मतलब ऊपर वाली लेयर में रखना है। और बैकग्राउंड वाली जो वीडियो वो छोटी पड़ रही है तो इसलिए मैं इसे फ्रीज करके इसे मैं साइज में बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जो लेयर वाली वीडियो इसे सिलेक्ट करना है और कटआउट में जाके क्रोमा की पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका कलर पिक कर लेना है और इंटेंसिटी को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैं 30 के आसपास रख लेता हूँ। इसे चेक कर लेना है आपने, अगर आपके इसमें ग्रीन कलर थोड़ा बाकी रहता है तो क्या करना है, आपने सिंपली एडजस्ट में जाके HSL में जाके ग्रीन कलर को चूज करके इसे माइनस में कर देना है। इस तरह से आप ग्रीन कलर को पिक करके इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए जो बंदा सामने से गुजरा है वो अभी नजर नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोगों ने एडजस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, मेन लेयर को फिर से कॉपी करना है, ऊपर वाली लेयर को, और उसे ओवरले में ले आना है। इसे ओवरले में ले आना है और इसे इस तरह से एडजस्ट करना है जहाँ पे ये सही से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तीसरे नंबर पे ले आना है और इस लेयर को सिलेक्ट करके कटआउट में जाके रिमूव बैकग्राउंड कर देना है। कटआउट में जाके रिमूव बैकग्राउंड कर, तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सन शो हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे पूरा रिमूव होने बाद इस तरह से ये आपको नजर आएगा। देखिए ये कैरेक्टर सामने से गुजर जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इफेक्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।